आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में आज बात होगी विपक्ष की भूल बीजेपी को कबूल। दरअसल आरजेडी चीफ लालू यादव के परिवारवाद वाले बयान का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, और इसके बाद एक अभियान बीजेपी ने शुरू कर दिया। बीजेपी के नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना भी शुरू कर दिया। अब बीजेपी यहीं पर नहीं रुक रही है, बीजेपी ने अपने कैंपेन मैं हूं मोदी का परिवार के तहत एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हर किसी से अपनापन, हर किसी से सरोकार, तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं पीएम मोदी का परिवार। तो कुल मिलाकर विपक्ष के हमले को बीजेपी ने एक तगड़ा जवाब दे दिया है और आगे इस मुद्दे को बुनाने की तैयारी भी है, जिसके तहत बीजेपी के नेता अपने घर की नेम प्लेट पर परिवार लिखने की तैयारी भी अब कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले बयान और एक रिपोर्ट। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं, और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। हर किसी से अपनापन, हर किसी से सरोकार, 140 करोड़ देशवासी हैं पीएम मोदी का परिवार। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के पीएम मोदी के परिवारवाद को लेकर दिए गए बयान के बाद पीएम मोदी ने कहा 140 करोड़ देशवासी हैं उनका परिवार। और यही नहीं, इसके बाद बीजेपी के सभी शीर्ष नेतृत्व ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि वो पीएम मोदी का परिवार है, और जिसके बाद लगातार पूरे बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा जाने लगा कि वो पीएम मोदी का परिवार है। विपक्ष भले ही पीएम मोदी को बयानों के जरिए घेरने की कोशिश करता हो, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी उसका जवाब देते हैं वो साफ करता है किस तरीके से जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरह से इन बयानों को लेता है। कहीं ना कहीं विपक्ष की भले ही बयानों के जरिए उलझाने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बयान ही उनके लिए है वो उल्टे साबित हो जाते हैं। दीपक के साथ रवि कुमार, नीरज लखनऊ। तो रिएक्शन आपने सुना, पहले लालू प्रसाद यादव का बयान भी हमने आपको सुनवाया कि आखिर उन्होंने क्या कहा था प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा पलटवार किया कि उसके बाद अब बीजेपी के नेताओं ने एक अभियान शुरू कर दिया है, और यह अभियान अब सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है बल्कि लोगों के घर की नेम प्लेट तक पहुंच गया है। राघवेंद्र सिंह बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार मौर्य हैं, मौर्य साहब आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी हैं, अशोक तिवारी जी आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल हैं, मनीष अग्रवाल जी आपका स्वागत है। मनीष जी, मैं राजनीतिक चर्चा पर जाऊं, उससे पहले आपका एक रिएक्शन चाहूंगा सर। अब एक्स हैंडल के बाद अपने घर के नेम प्लेट पर भी बीजेपी के नेता मोदी का परिवार लिखने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर इसको? मनीष जी देखिए, विपक्ष में यही मुश्किल है। विपक्ष हर चुनाव में भाजपा को एक ऐसा मौका दे देता है जिसके उन्हें जन सामान्य से जुड़ने का मौका मिल जाता है। पिछली बार आपने देखा होगा मैं हूँ चौकीदार वाला मूवमेंट चला था, इस बार मोदी का परिवार वाला मूवमेंट है। और आपने अभी ये भी देखा होगा कि जो लास्ट बैठक कैबिनेट की माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी है उसमें उन्होंने अपने मंत्रियों को ये सख्त हिदायत दी है कि मीडिया से कम बोले, जरूरत का बोले और कोई ऐसा मुद्दा ना दे
जो चुनाव में हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, लेकिन विपक्ष ऐसी किसी गाइडलाइंस को नहीं मानता। उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं और वो एक भाजपा को मौका देते हैं जन सामान्य से जुड़ने का। ये जो एक्स पे लिखा जा रहा है मोदी का परिवार, और अब जब नेम प्लेट तक ये मुहिम पहुंचेगी ना, तो आपको लगेगा कि जब विपक्ष प्रचार करने निकल रहा है तो उसको लगभग औसतन हर दूसरे घर के बाहर ये नेम प्लेट लगी दिखेगी, और इससे ही उसे पता चल जाएगा कि कौन हमारे समर्थन में है और कौन नहीं है। इसीलिए आपको चुनाव के समय या हमेशा जब आप सोशली एक्टिव हो, आप नेता हो, अभिनेता हो, आपको ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। और व्यक्तिगत बयान तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वो भी एक प्रधानमंत्री जैसे आदमी के लिए। और पहले भी कांग्रेस ने ऐसी गलती करी है, इस बार ये गलती आरजेडी की तरफ से हुई है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसे कुछ बयान है, और बीजेपी और प्रधानमंत्री ऐसे बयानों का इंतजार करते हैं, और फिर उन्हें कैसे लेके इसको जनता तक पहुंचना है ये उन्हें भरपूर अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, आपने तो अभियान शुरू कर दिया है सर, क्या तैयारी कर रहे हैं आप इस बयान को लेकर? बीजेपी के नेता पहले एक्स हैंडल पर लिखते हैं मैं मोदी का परिवार, अब ये उनके घर की नेम प्लेट तक पहुंच रहा है, करना क्या चाहते हैं आप लोग? राघवेंद्र जी, पराग जी, सबसे पहले तो मैं निंदा करना चाहता हूं जिस प्रकार से, जिस तरीके से लालू यादव ने इस विषय को उठाया, बहुत सी ओछी हरकत है। मोदी जी ने कभी इस प्रकार की टिप्पणी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नहीं की है कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले को जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, मैंने सुना है, ऐसा मोदी जी ने कभी नहीं कहा है जी। आज की तारीख में मोदी जी पर व्यक्तिगत हमला करने वाले जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी कब्र खोदने का काम करते हैं जो भी राजनीतिक दल होता है। मुझे याद है 2014 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस ने यही गलती की थी। अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने कहा था ये तो चाय वाला है, इसको हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही है इसमें चाय बेचने का काम सौंपना चाहिए। उसके बाद लोकसभा चुनाव का क्या हुआ, हम लोगों ने इसको कैंपेन के रूप में लिया, पूरे देश की जनता ने इसको जो है मैं भी चाय वाला कह करके कैंपेनिंग शुरू की, और कांग्रेस पार्टी इसी विषय का जवाब देते देते चुनाव में धूल दूषित हो गई। यही इन्होंने गलती 2019 के चुनाव में की थी। 2019 के चुनाव में राफेल वाले विषय को लेते हुए कांग्रेस परिवार ने कहा था कि ये चौकीदार चोर है, जबकि उसके विषय को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ गई थी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने बयान दे दिया था, सभी विषय बिल्कुल साफ थी। उसमें माननीय मोदी जी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के सरकार के ऊपर हर तरीके से क्लीन चिट दी हुई थी जी। फिर जब हम लोगों ने मैं भी चौकीदार के कैंपेनिंग शुरू की, ये लोग धूल दूषित होकर उसका जवाब दे नहीं पाए। ये लोग किस प्रकार की ओछी हरकतें करते, फिर एक नया सगुफा लेकर के आ गए। तो हम लोगों ने इसको लेकर के जो मोदी का परिवार नाम की एक कैंपेन शुरू की है, ये भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन नहीं है, ईमानदारी से बताएं, देश की जनता ने इसको अपने हाथों में ले लिया है। जिस प्रकार से पिछली दो जो घटनाएं थी, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उसमें देश का जनमानस जुड़ गया था, उसी प्रकार से इस कैंपेनिंग में देश का जनमानस जुड़ गया है। अगर वास्तविकता देखें पराग जी, आज की तारीख में संपूर्ण विपक्ष हिट विकेट हो गया है, वो जो चुनाव लड़ने से पहले हार गया है। अब ये विषय जब उठेगा तो इनको जवाब देते हुए नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 400 सीटें, जो एनडीए गठबंधन है 400 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीत करके देश में सरकार बनाने जा रही है। ये लोग अब इस विषय को छोड़ ही दे, 2029 की तैयारी करने में अपना समय लगाएं। इन लोगों के हाथों से मुझे कहा ये चुनाव निकल गया। ठीक है, राजकुमार बौर जी, क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? 2014 में चाय वाला बोलकर मुद्दा बीजेपी को आप लोगों ने दिया, 2014 में बीजेपी जीत गई, 2019 में आप लोगों ने चौकीदार चोर कहा तो सब चौकीदार बन गए, अब फिर से 2024 के चुनाव में आप लोगों ने परिवार के ऊपर सवाल उठा दिया, अब सब मोदी का परिवार बन गए हैं, 2024 में क्या करना चाहते हैं आप लोग? जी सर, हम निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कहीं कहीं मेहरबान है भाजपा के ऊपर, तो जिससे क्या होता है कि वो लोग कोई भी गलत सलत जो भी अपना न्यूज फैलाते हैं फैला देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना, ये मोदी जी ने कहा। अरे लालू यादव ने परिवार पर सवाल उठाया कि नहीं उठाया? राजकुमार मौर्य जी, इतना बताइए बस, क्या उनके बयान को हमने गलत तरीके से पेश किया है? उसी पर हमारा है, देखिए तो राहुल जी ने मोदी जी के उसी बयान को कोट किया था, लेकिन देखिए इनका आईटी सेल,
और उसको सहयोग देती है मेन स्ट्रीम मीडिया। राजकुमार मौर्य जी, तमाम सारे बयान राहुल गांधी के वायरल होते हैं, हर बयान पर चर्चा करने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप करना क्या चाहते हैं 2014 में, 2019 में, अब 2024 में? आप लोग जब देख रहे हैं कि एक बयान जिसको हथियार बीजेपी बनाकर चुनाव जीत जा रही है, फिर ऐसे बयानों की जरूरत क्या अन पड़ी है? अरे भाई, इनके आप फिर वही चीज हम दोहरा रहे हैं कि जब मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया का हाथ है तो कोई भी पहलवान हो सकता। क्या हाथ है राजकुमार मौर्य जी? बयान आप दे रहे हैं, बयान आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं, बयान लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल कहां से आ जाता है? इनके कैसी बात कर रहे हैं? आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए ना, आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं मीडिया के ऊपर? इनके सांसद जो है विधुरी, विधुरी ने कितना, अरे भाई साहब, आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना सर। मीडिया चैनल ने क्या चलाया, क्या कैंपेन किया, उसका कोई असर नहीं है। लेकिन अरे उनका टिकट काट दिया ना बीजेपी ने, आपके नेता ने कितने बयान दिए, मणिशंकर अय्यर क्या क्या बयान देते हैं, एक एक नेता का नाम लूंगा तो उन पर तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर आप कहेंगे कि सब मीडिया बीजेपी के पक्ष में बोलता है। आप जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए मौर्य साहब। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 2014-2019 से कोई सबक क्या नहीं लिया कांग्रेस पार्टी ने? इसको बीजेपी का आर्टिफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया ने, चलिए इनका ऑडियो डाउन करिए। राजकुमार मौर्य जी, आज चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, आप लोगों के पास जवाब नहीं है, ये गलत तरीका है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब यही है। क्या जवाब है सर, बताइए? के साथ है वही जो पहलवान है। अरे मौर्य साहब, मीडिया का रोल कहाँ से आ गया इसमें? सेम उसी तरह से मैं हूँ चौकीदार वाला जो है, जैसे कैंपेन इन लोगों ने चलाया था, चौकीदार चोर है हम लोगों ने कहा था, उसमें गलत था भाई। लेकिन उसको इस तरीके से मीडिया ने और आईटीसीएल ने इस तरीके से उछाला। राजकुमार मौर्य जी, तभी आपकी पार्टी की ऐसी हालत है, आप लोग के पास जवाब नहीं होता सवाल का, कैसी बात कर रहे हैं। अशोक तिवारी जी के पास अब मैं जा रहा हूँ। अशोक तिवारी जी, ठीक है ठीक है, अब हो गया, आप रुकिए थोड़ा सा रुकिए, बाकी लोग भी, उनका भी नंबर आने दीजिए। अशोक तिवारी जी, जी भाई, 2014-2019 अब 2024, दो बार ऐसे बयान, देश का चुनाव, आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जिनको हथियार बीजेपी ने बनाया। 2024 में भी इसी तरीके की बयानबाजी फिर से की गई है, फिर उसे बीजेपी हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, आप लोगों के पास काउंटर क्या है? जी देखिए, 2014 और 19 का चुनाव अलग तरह का चुनाव था, 2024 का जो चुनाव है इसमें कोई हथियार, कोई औजार, कोई झुठाई, कोई फरेब, कोई जुमला, कोई गारंटी काम नहीं आने वाली। जी जी, सच्चाई यह है कि परिवार की जहां तक बात है या परिवारवाद की बात है, भाजपा में सर्वाधिक है। मैं मानता हूं कि परिवार में जो लोग होते हैं उस परिवार को जनता पसंद करती है, तमाम परिवारों, और वो जीतते भी हैं। इसमें इसका अर्थ यह नहीं होता कि परिवार के हिस्से जीतते हैं, इसका अर्थ होता है कि उसमें जो लायकदार होता है किसी परिवार में, वो आगे जनता का चहेता बनता है, जीतता है। इस पर मैंने संक्षेप में प्रतिपात करी थी। भाजपा में भी है लोग, और काफी संख्या में भाजपा में है, और सभी दलों में इस तरह की चीजें सामने देखी जाती है। जो विधायक होता है उसका बेटा विधायक बन जाता है, और ऐसे ही जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बड़ा इंजीनियर बनता है। ये कोई बहुत बड़ी बात समाज में नहीं, समाज में हर कोई जानता है। सच्चाई ये है भाई, इस समय जो फैलाया जा रहा है या जिस पर बिफरा जा रहा है, ये उस तरह के मुद्दे नहीं है जो चौकीदार की आप बात करते हैं या चाय वाले की बात करते हैं। आज भिन्न प्रकार का ये चीज सामने आई है परिवार की, और परिवार बात भाजपा में कूट कूट के भरा हुआ है। जनता भी जानती, जनता कोई नासमझ नहीं है, नौजवान कोई नासमझ नहीं है, किसान कोई नासमझ नहीं है, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। देश की जनता इनके जुमलों से, इनके झूठ से उसका गले तक भर गया है। आज वो मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। अशोक तिवारी जी, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को स्वीकार करता हूं कि हर पार्टी में परिवारवाद होता है, और परिवारवाद की परिभाषा पर चर्चा कई बार हम भी कर चुके हैं और राजनेता भी कर चुके हैं। परिवारवाद ये भी होता है कि एक ही परिवार से कई लोग अलग अलग पदों पर रहते हैं, एक समय में नहीं, अलग अलग समय में, कुछ एक समय पर भी रहते हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि परिवारवाद का जो मुद्दा लालू प्रसाद यादव ने उठाते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की, उसको हथियार बीजेपी बना रही है, तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सुन लीजिए सर, मेरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बयानबाजी जो लालू प्रसाद यादव ने की है, इस तरह की बयानबाजी पिछले दो लोकसभा चुनाव में हो चुकी है और उसका परिणाम आप लोग भुगत चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब 2014-2019 का चुनाव इससे अलग चुनाव था, तो 2024 में क्या अलग आप लोग कर रहे हैं? फिर बता रहा हूं सर, देखिए जहां तक आप माननीय लालू जी की बात करते हैं, मोदी जी के तमाम बयानों को आप संभालिए, देखिए किस तरह से उनके ऊपर जो वार पर वार करते गए, वो अलग विषय, उन्होंने क्या कहा
और कैसे कहा, उनकी किन परिस्थितियों में कहा, उनको कितना इस पर जो है उनके ऊपर वार किया गया और उन्होंने उस बात को अपनी तरह से रखा, ये अलग विषय है। लेकिन सच्चाई ये है उसका कोई फायदा उठा लेगी भाजपा, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है, क्योंकि जनता का मूड अलग है इस समय। जनता का मूड जो है मुद्दों, यही आप 2019 में भी कह रहे थे, यही आपने 2022 के चुनाव में भी कहा उत्तर प्रदेश के, और यही आप मध्य प्रदेश में कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में कह रहे थे, राजस्थान में कह रहे थे, फिर आप कहेंगे कि साहब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई तो वहां पर क्या स्थिति है वो भी हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोग अपने संगठन को नहीं संभाल पा रहे हैं और बयानबाजियों के बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे सबक नहीं ले पा रहे हैं, और जब आप नहीं दे पा रहे हैं नहीं आने देंगे भाई, आप ही बोलेंगे क्या सर? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, आप जवाब तो दे नहीं रहे हैं, आप घुमा रहे हैं बात को। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है सर? आप जवाब देने नहीं दे रहे हैं मुझको। अरे प्रभु, इतना तो बोलने दिया आपको, बताइए मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको, आपको जवाब देने के लिए बुलाया मैंने। आप ध्यान पूर्वक सुने सर, मेरी बात आने दीजिए। मैंने ध्यान पूर्वक सुन लिया, अब आप दूसरी बारी का इंतजार करें, थोड़ा मनीष जी के पास मैं चल रहा हूँ। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि परिवारवाद की जो बात आप कर रहे हैं उसी पर जवाब कट टू कट देने जा रहा हूँ। आज मोदी जी का किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे, आज वो परिवार के पास नहीं जाएंगे, आज उनके वो गारंटी दे कि उनके पार्टी में किसी परिवार वाले व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। क्या बात करते हैं, जनता को उलझाते हैं, जनता को बेवकूफ बना लेंगे, संभव नहीं है, ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, लोग ठीक है, चलिए मैं समझ गया सर, समझ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मनीष अग्रवाल जी के पास हम चल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ये सरकार खड़ा रही है, चलिए कदम ठीक है ठीक है सर, ठीक है, चलिए हो गया। अशोक तिवारी जी, अब अगले राउंड में आ रहा हूँ। मनीष अग्रवाल जी, विपक्षी पार्टियां समझना नहीं चाह रही या फिर समझकर अनजान बन रही हैं? पराग जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने भाजपा को एक नैरेटिव बनाने का मौका दे दिया, अब उस नैरेटिव को गलत तथ्यों से काउंटर कर रहा है। कांग्रेस कह रही है मीडिया का सहयोग है, समाजवादी पार्टी कह रही है क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद सब पार्टियों में है भी, लेकिन परिवारवाद की परिभाषा इस तरीके से नहीं होगी कि अध्यक्ष में परिवारवाद होगी, एक अध्यक्षता फिर उसी के परिवार का बनेगा। ठीक है सर, आप किसी भी जी ठीक है सर। चलिए अभी चूंकि समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए आप सभी से मैं इजाजत चाहूंगा। राघवेंद्र जी, राजकुमार जी, अशोक तिवारी जी, मनीष अग्रवाल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। करेंगे एक बड़ी खबर की, एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। लखनऊ से यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 17 मार्च को परीक्षा होनी थी, जुलाई में परीक्षा होने की अब संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है, यूपी पीसीएस की परीक्षा को रद्द किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 17 मार्च को यह परीक्षा होनी थी जिसको रद्द किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा को रद्द किया गया है, जुलाई में परीक्षा होने की संभावना है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर यह ताजा अपडेट, 17 मार्च को होने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और अब यह परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी और अहम जानकारी है। 17 मार्च को परीक्षा होनी थी लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि जुलाई में यह परीक्षा हो सकती है, फिलहाल इस परीक्षा को टाला गया है। और एक और बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त सामने आ रही है, एसबीएसपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ेंगे। और सुभाषपा नेता अरुण राजभर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। घोसी से प्रत्याशी का ऐलान आप लोगों ने कर दिया सर?
पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा इस पर। पार्टी की आज अहम बैठक हुई और अहम बैठक में तमाम पदाधिकारी पूर्वांचल के उपस्थित हुए थे, सबकी सहमति, सबकी राय, सबके सुझाव लिए गए और हमारी पार्टी स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता सम्मान पार्टी है और कार्यकर्ता कैडर की पार्टी है और जिस तरीके से हम लोग कार्यकर्ताओं की राय लेकर के आज सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से डॉक्टर अरविंद राजभर जी को घोसी लोकसभा से आज उम्मीदवार बनाया है। जिस तरीके से एनडीए में माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की ने भी ये तय 80-80 उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी के हाथों देने जा रहा है, उसी कड़ी में 80-80 सीट में घोसी लोकसभा सीट शामिल है, उसी कड़ी में आज हम सभी लोगों ने मिलकर के डॉक्टर अरविंद राजभर प्रत्याशी बनाया। अरुण जी, ओपी राजभर साहब से हमारी बात हो रही थी दो दिन पहले, तो उन्होंने बताया था कि एक सीट पर और बातचीत चल रही है आप लोगों की, फाइनल हो पाई है क्या? दूसरी सीट पर चर्चाएं हो रही है, पहली सीटें जो क्लियर हो गई थी, फाइनल हो गई थी, उसको आज हम लोगों ने जी विधान परिषद की एक सीट है उसकी घोषणा करेंगे। तमाम जो आयोग है, आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी भी घोषणाएं होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दूसरी सीटों की भी जल्दी घोषणा हम लोग करेंगे, अभी चर्चा के क्रम में है। जो पहली सूची हमारा कंफर्म हुआ था वो घोसी लोकसभा। अरुण जी, बीजेपी की भी चूंकि एक दो दिन में बैठक अब होने जा रही है, तो बाकी 29 सीटों को लेकर भी यूपी की अब चीजें फाइनल होंगी, कहां पर कौन से प्रत्याशी होंगे, तो ये कब तक क्लियर हो जाएगा? आप जो दूसरी सीट की मांग कर रहे हैं या किस सीट को लेकर चर्चा चल रही है सर, कुछ बता पाएंगे क्या अरुण जी? देखिए, वो जल्द ही बलिया की और गाजीपुर की सीटों पर चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि जल्द ही इस पे निर्णय हो जाएगा और हम लोगों का लक्ष्य है कि 80-80 सीटें जीतना और 80-80 सीट तभी जीता जाएगा जब हम सभी लोग मिल करके देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को गाँव गाँव तक पहुँचाया जाएगा। हम सब लोग ने संकल्प लिया है मोदी जी के, योगी जी के विजन को, उनके सिद्धांत को, एजेंडे को, उनके कार्यक्रमों को लेकर के हम गाँव में जाएंगे और जनता एकदम उत्साहित है, बड़ी खुशी की बात है, जनता एकदम उत्साहित होकर के मोदी जी को इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करने जा रही है। विपक्ष कहीं हमारे लड़ाई में नहीं है, मुझे उम्मीद है घोसी की जनता बड़े बहुमत से डॉक्टर अरविंद राजभर जी जिता कर भेजेगी, जो मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि पूरे देश की जनता। बहुत शुक्रिया आपका अरुण राजभर साहब, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुभाषपा के महासचिव ओपी, माफ कीजिएगा, अरुण राजभर को सुन रहे थे। अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। स्वागत करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री विजय सिंह, हमारे सभी वरिष्ठ कैबिनेट के और राजनीतिक मंचस्थ सभी अधिकारी उपस्थित, सभी मेरे अन्नदाता किसान भाई, बहनों, नौजवानों, पत्रकार मित्रों, देखिए जब पहले हम लोग बचपन में एक गांव में कहावत रहती थी कि उत्तम खेती मध्यम बाम, निश्चित चाकरी भीख निदान, भिक्षा को सबसे अंतिम लेकिन खेती को सबसे उत्तम श्रेणी में माना जाता था, लेकिन वह बीज के कालखंड में बहुत स्थिति बिगड़ गई थी। आज बदली हुई परिस्थिति में किसान सीना तान करके देश में चलता है, किसानों का मान और सम्मान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में कहा जा सकता है पूरे जिम्मेदारी के साथ कि सपा बसपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली जाती नहीं। अंतर आया, सपा बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार देश में जब थी तो योजनाएं तो गरीब के नाम पर बनती थी लेकिन गरीबों को उसका लाभ नहीं मिलता था, किसानों के नाम पर बनती थी किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2014 में सरकार बनी है और 2014 में सरकार बनने के बाद अभी जो अंतरिम बजट आया है उसमें 34,00,000 करोड़ रुपया लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। मैं केवल याद दिला रहा हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए 52 करोड़ देश में, उसमें 9 करोड़ उत्तर प्रदेश बैंक के खाते अगर नहीं खुले होते तो किसानों के खाते में सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं का पैसा नहीं जाता। 100 में से 15% का मतलब है लोगों को 5,00,000 करोड़ मिलता और 29,00,000 करोड़ रुपया
ये सपा बसपा कांग्रेस और इनके जैसे दल मिलकर के देश के किसानों का गरीबों का हक खा जाते हैं। आप सबको आज यह संकल्प लेना है, या ऐतिहासिक फैसले कोई साधारण फैसले नहीं है। मैं किसान का बेटा, मैंने अपने हाथ से हल भी चलाया, खेत भी सींचा है, मड़ाई